हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोग हो चुके अपने पेरिस वर्ल्ड में स्पॉन, और हमें यहाँ पे ढूंढ के उसे चॉप करना है, यानी उसे काटना है। लेकिन मेरी किस्मत देखिए दोस्तों, मेरे स्पॉन के आसपास एक भी पेड़ नहीं है। मेरी किस्मत ही में खोट है, शायद यहाँ ऊपर कोई पेड़ होगा। बाप रे, इतनी दूर में पेड़, मेरे तो पैर दुख जाएंगे यहाँ तक जाते जाते। तभी मैं वहाँ जाके जल्दी से वुड चॉप करता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और ये नदी है, तो वहाँ उस पेड़ के पास चलते हैं जल्दी से। आज के एपिसोड का हमारा गोल होने वाला है कि हम लोग एक विलेज फाइंड करें और ये हमारी फर्स्ट डे सरवाइव करें। तो यहाँ मुझे एक सीप दिख चुकी है, तो मैं इसे जल्दी से मार के वूल कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें 3 वूल चाहिए जिससे हम बेड बना सके। हम यहाँ एक वूल मिल चुका है और 2 रो मटन मिल चुका है, तो पहले हम पेड़ चॉप करेंगे। अभी आप तो जानते ही गाइस, मैं इस गेम में कितना प्रो हूँ। गाइस, आपको भी मैं अपने जादू दिखाऊंगा। 3 2। तो गाइस, कैसा लगा आपको जादू? मैंने 3 लॉक्स चॉप कर लिए फटाफट। तो उससे हम प्लैंक्स बनाएंगे और एक क्राफ्टिंग टेबल। फिर हम क्राफ्टिंग टेबल से कुछ स्टिक्स बना के एक एक्स बनाएंगे और एक पिक एक्स। तो एक्स से पहले क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के ये बची हुई इस पेड़ की लकड़ियाँ माइन कर लेता हूँ मैं। गाइस, अभी मैंने बची हुई लकड़ी माइन कर ली है और मुझे खाना जमा करना है और वूल जमा करना है, जिससे मैं बेड बना सकूँ, नहीं तो ज़ॉम्बीज रात को आकर मेरी चटनी बना देंगे। तो अभी मुझे सीप और काफ़ी सारे जानवर मारने हैं जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। मुझे एक और सिप दिख रही है, इसे भी मैं मार देता हूँ। ये गई। मुझे 2 वूल हो चुके हैं, तो मुझे एक और वूल चाहिए जिससे मैं बेड बना सकूं। ये यही एक और सिप, अब मैं बूट बेड बना सकूंगा और दे फर्स्ट सर्वाइव कर सकूंगा। तो क्यों ना मैं यहाँ से स्टोन माइन कर लूँ। हाँ, मैं यहाँ से स्टोन माइन कर लेता हूँ काफ़ी सारा। गाइस, आपको कैसे लगा 4x क्या बोलते हैं उसे, हाँ 4x स्पीड। तो मैंने ये काफ़ी सारे स्टोन माइन कर लिए हैं, तो मैं ऊपर चलता हूँ, पहले भी स्टोन के टूल्स बना लूँगा। तो मैं लगे हाथ यहीं पर बना लेता हूँ। पहले मैं प्लैंक्स बनाऊंगा कुछ, उसके बाद एक बेड बना लूँगा ताकि मेरी वुड ख़त्म ना हो जाए, उसके बाद स्टिक्स, उसके बाद मैं बनाऊंगा मेरे स्टोन के सारे टूल्स, एक एक्स, एक पिक एक्स, एक शवल और एक स्वॉर्ड, और उसे अपनी इन्वेंटरी में अच्छे से लगा दूंगा। पहले लगाऊंगा स्वॉर्ड, फिर पिक एक्स, फिर शवल, उसके बाद एक्स, और बेड भी आगे रखूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 years later। गाइस, काफ़ी देर चलते हुए मेरी हंगर बस 3 बची है, तो मैं यहाँ पर रात भी होने चली है, तो मैं यहाँ बेड लगा के क्राफ्टिंग टेबल लगा के एक फर्नेस बना लेता हूँ। फर्नेस वो है जिसपे हम खाना बना सकते हैं और आयरन स्मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्नेस की रेसिपी आ चुकी है, पहले ये फर्नेस बना के यहाँ रखते हैं और इसमें खाने पकने के लिए दे देते हैं।
गाइस तो अभी अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ पर कुछ जॉम्बी जलते हुए मुझे मारने आ रही है। ये सोच रहे मुझे ये मार देंगे, लेकिन ये तो एक शॉट के भी नहीं बचे हैं। तो उस तरफ सवाना बैम दिख रही है, तो मैं चलता हूँ उसी तरफ या पहले इस तरफ जाता हूँ जंगल की तरफ। तो खाना मेरा पक चुका है, इतना काफी खाना काफी है, तो आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना बुढ़िया बिस्तर पैक कर लिया है और मैं चलता हूँ इस जंगल की तरफ। गाइस आपको नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ माइनक्राफ्ट में? मुझे कोई मार ही नहीं सकता, ये जॉम्बीज को तो मैं यूं ही मार दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह नो, मुझे बैट लगाना होगा जल्दी से। ओह नो, मैं मर गया अपनी सर्वाइवल सीरीज में पहली बार। ओह नो, मैं यहाँ रिस्पोन होके वापस आता हूँ। 2,000 years later. डोरेमोन गाइस, मुझे एक विलेज मिल चुका है यहाँ पर। मुझे इसे ढूंढने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए ऐसे ही धांसू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।